जब श्री ठाकुर जी अति करुणा करते हैं जीव के जीवन में, दो वस्तुएं दुर्लभ होती हैं और यदि कहीं ऐसा मिल रहा अवसर हो, प्राप्त हो रहा है, तो इसको भगवान की कृपा का ही प्रसाद मानते हैं। संत समागम, हरि कथा, जग में दुर्लभ, ये दो वस्तुएं हैं। संतों का समागम, उनका वचनामृत सत्संग आदि, उनके मंगल स्वरूप दर्शन का सौभाग्य ये, और भगवान की चर्चा, भगवान की कथा। भगवान की जहां चर्चा होती है, हमारे आचार्यों ने इस भाव को पुष्ट किया है। नाम वाणी यहाँ श्याम श्यामा तहां, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट। ये नाम का संबंध है। जहां उनका कथामृत रसदान किया जाता है, भगवान उसी स्वरूप में उसी मध्य हम सबके बीच प्रकट होके विराजमान होते हैं। जहाँ श्री रामचरित जी का पाठ होगा, वहाँ श्री हनुमान जी महाराज अवश्य किसी न किसी रूप से हम सबके मध्य विराजमान होंगे। हमें देखते क्यों नहीं है, तो देखने की क्षमता हमारे पास नहीं है, क्योंकि संसार के पाप रूपी कर्म हमारे भीतर भरे हुए हैं। ईर्षा, वृत्तियां, जलन, यानी कितने कितने तरह के पाप कर्म जो होते हैं जीव के साथ बंधे होते हैं, उन कारणों से हम उन अविष्ट स्वरूप श्यामा श्याम को या उनके चरण कमलों को देखने की सामर्थ्य नहीं रख पाते। ये तो गुरुजन अनुग्रह करें, कृपा करें और अपनी दृष्टि हम जीवों को प्रदान कर देवे, तभी यह संभव है, नहीं तो असंभव है। इसलिए हम सबके बीच में होते हुए भी हम उनको देख नहीं पाते, लेकिन ये प्रमाण है कि वो विराजमान है। यही कथा की विशेषता है, कथा की यही महिमा है। अनंत अनंत जीवों के कल्याण का मार्ग खोलने, सत्संग सामान नहीं है। सत्संग सताम संगा सत्संगा, सत्पुरुषों का जीवन में संग मिल जाए तो कितना भी बिगड़ा हुआ जीवन वाला व्यक्ति क्यों ना हो, शराबी करावी जितने भी दुष्कर्म होते हैं, अगर सत्संग की कड़ी से वो जुड़ जाए, जीवन में सत्संग सत्पुरुषों का संग मिल जाए, तो वो दिन दूर नहीं होगा कि वो भी उसका हृदय भी एक दिन साधु पुरुष हो जाएगा, साधु हृदय हो जाएगा। ये सत्संग का प्रभाव, इसकी अनंत अनंत शास्त्रों में महिमा है। जघाई और मधाई जैसे महान पापी, दुरात्मा, अत्याचारी, चार चार वेश्याओं की संगति करने वाले, मांस मदरा खान पीन करने वाले, संतों को देख करके आलोचना करना, उनको अपशब्दों का प्रयोग करना आदि आदि, ऐसे दुष्कर्मी दोनों भाई और ब्राह्मण कुल उत्पन्न है। इतना बिगड़ा हुआ जीवन था, लेकिन उनके जीवन में एक शुभ घड़ी आई, और वो शुभ घड़ी क्या थी कि हमारे श्रीमन महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे महापुरुष, और उनके जीवन में उनके दर्शन करने का सौभाग्य उन जघाई और मधाई जैसे पापियों को मिल गया। उसका फल क्या हुआ, इतना बिगड़ा हुआ जिसका जीवन हो तो उन महापुरुषों को देख करके आलोचना करने लगे, और ये महापुरुषों का सत्संकल्प है। महापुरुष जिसके नाम का संकल्प ले लेंगे उसके कल्याण में कोई संशय नहीं, उसका मार्ग खुल जाएगा, भगवत कृपा हो जाएगी। कोई महापुरुष संकल्प ले तो ले, अपने मुख से कह दे कि तेरा कल्याण का हमने ठेका ले लिया है, उसका कल्याण रुकेगा, श्री ठाकुर जी को अवश्य करना पड़ेगा। तो श्रीमन महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज ने और उन जघाई मधाई जैसे पापी का संकल्प ले लिया, हमने बड़े बड़े भक्तों का तो उद्धार किया, कल्याण किया है, लेकिन जघाई मधाई जैसे महापापियों को यदि ठाकुर जी का दास नहीं बनाया, उनके चरणों की भक्ति इनको प्रदान नहीं की, तो मेरी भक्ति करना व्यर्थ माना। ये संकल्प था उनका,
उसका फल क्या हुआ? उसका फल ये हुआ, धीरे 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 इतनी बड़ी आलोचना करने वाले, संतों से दोष करने वाले, लेकिन एक दिन महाप्रभु जी ने कृपा करुणा करके उनके घर में ही नाम संकीर्तन का आयोजन रखा। और धीरे धीरे सत्संग जहां जहां वो रहते उस गली में जाकर के पहले कीर्तन करते, और वो नशे की हालत में पड़े रहते, नाम सुनते रहते। लेकिन वो नाम, हमारे शास्त्रों में आचार्य गुरुजन कहते हैं, भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। झूठ मूठ का भी कर्ण रंध्र के माध्यम से नाम उसके कानों में चला जाए तो उस पापी का भी उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। तो नाम भगवान की करुणा से, कृपा से उन पापियों के हृदय में भक्ति का थोड़ा सा संचार हुआ। संचार क्या हुआ कि उनके मन में आया कि ये दो महापुरुष श्री नित्यानंद महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु, ये दोनों नाचना गाना अच्छा जानते हैं। तो उन्होंने संदेश भेजा सेवक के द्वारा कि भाई उन बाबा जी से कहो कि हमारे घर में ये नाचना गाना कर देंगे। ये समाचार सेवक ने श्री महाप्रभु जी के चरणों में निवेदित किया, प्रार्थना की। महाप्रभु जी ने आंख में आंसू भर के उस निमंत्रण को स्वीकार किया और कहा कि अवश्य उनके घर में जाकर के हम नाम कीर्तन करेंगे। ये ठाकुर जी की कृपा, जो नाम से चिढ़ थी, संत भेष से चिढ़ थी, सदा उन्मत्त होकर के पड़े रहते, आज नाम भगवान ने इतना स्थान दे दिया कि वो चलो इसको नाचना गाना ही मानते हैं, कि कीर्तन का प्रस्ताव उन्होंने अपनी तरफ से रखा है तो अवश्य उनके घर में किया जाएगा। उस श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे महापुरुष उनके घर आंगन में जाकर के नाम संकीर्तन करते हैं, और राधा 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 श्री राधा कहके जब उन्मत्त होके नाचते नाचते जहां दोनों भाई बैठे हुए थे तो महाप्रभु जी ने जाकर के दोनों को ऐसे आलंगन करके अपने हृदय से लगा लिया। जैसे ही हृदय से लगाया है, जैसे कोई हाई पावर का करंट छू ले और छूने से जो उसको एहसास होता, ऐसी महाप्रभु जी के देही का जो स्पर्श हुआ तो रोम रोम से और उनके भक्ति का प्रकाश हो उठा और आंख में आंसू दोनों भाइयों के आ गए और बोलने लगे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कहां एक दिन वो था और आज दोनों के मुख से हरि बोल हरि बोल हरि बोल, श्री राधा श्री राधा श्री राधा कह के आनंदित हो रहे। महाप्रभु जी ने साष्टांग ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया, कहा बोले प्रभु आपने इन दोनों को अंगीकार स्वीकार कर लिया है, दोनों को दीक्षा संस्कार किया और उस दिन से दोनों को भक्ति का रंग ऐसा लगाया कि अब तो वो नाम रूप लीला धाम का चिंतन करते गंगा जी के किनारे जाकर के पड़े रहते और रोते रहते, पड़े रहते और रोते रहते। भक्त नामावलियों में जघाई और मधाई का नाम अंकित हो गया। इसको कहते संग का प्रभाव, जैसा करे संग वैसा हो मन, जैसा पिए पानी वैसी निकले वाणी। इस संग का प्रभाव है। तो सताम संगा सत्संगा, जीवन में हमें सत्संग मिल जाए, सत्पुरुषों का संग मिल जाए तो हम कितने भी बिगड़े हुए होंगे अवश्य हमारा कल्याण का मार्ग खुल जाएगा, हम सुधर जाएंगे। यही सत्संग की अनंत अनंत महिमा है। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सो जानिए सत्संग प्रभावो लोको हुबेद न आन उपाय। दूसरा कोई उपाय नहीं है कल्याण के मार्ग का। इसलिए कहते हैं कि भैया किसी न किसी तरह से हम सत्संग की कड़ी से जुड़े रहे। अगर जीवन में हमें यह मिल गया तो हमने सर्वस्व पा लिया। हरि गुरु संतों के चरणों से हमारी दूरी ना हो जाए, इनके चरणों से हम लिपटे रहे, यही हमारे सर्वस्व है। हमने ठाकुर जी को नहीं देखा, बिहारी जी को नहीं देखा, देखा है क्या?
लेकिन हरि गुरु को तो दर्शन किए, उनको देखा भी है, निकट से भी देखा है। तो जो गुरु चरणों से लिपट गया तो एक दिन अवश्य वो श्री ठाकुर जी के चरणों से भी लिपट जाए। इनमें और उनमें अंतर नहीं है, अंतर इतना है वो मौनी होकर के मंदिर में मंदिर बिहारी के रूप में विराजमान होते हैं, और ये संत चरण जो होते हैं, ये सतगुरु चरण कमल होते हैं, ये चलते फिरते तीर्थालय होते हैं। जिस घर में जाते हैं वो घर भी पवित्र हो जाता है, वो आंगन भी शुद्ध हो जाता है, और उनका चरणामृत पान करके हम भी कृतार्थ हो जाते, धन्य हो जाते। अनंत महिमा है, ऐसे अनंत महिमा है। तो श्री ठाकुर जी भी हैं और इनमें कोई अंतर नहीं। किसी न किसी रूप से हम महापुरुषों के चरणों से लिपटे रहे। हमारे पूर्व आचार्यों का यही इतिहास है, यही स्वरूप है, और हम दासों को यही मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया हुआ है। क्या किया कि बस संतों के चरणों से लिपटे रहो। अब मोहि भव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं सकता। संतों का दर्शन हो गया तो सब मंगल ही मंगल हो गया। विभीषण जी का हनुमान जी महाराज ने दर्शन किया, हनुमान जी ने उनको देखा, विभीषण जी ने उनको देखा, बस वहीं से उनके लिए विश्वास हो गया था। संतों का मिलन सामान्य कोटि का है, माने संत मिल गए तो भगवंत जरूर मिलेंगे, और उसका फल क्या हुआ, हनुमान जी जैसे संत चरण का दर्शन श्री विभीषण जी ने कर लिया, तो अब वो दिन दूर नहीं रहा, श्री रघुनाथ जी के चरण कमल में अनुराग भी हो गया, वो सदा सदा के लिए उनके दासत्व को आपने सहज प्राप्त कर। किसकी कृपा, श्री हनुमान जी महाराज संत चरण की कृपा, इनसे बड़ा संत चरण कौन हो। यही संत है, पूर्व आचार्य हमारे गुरुजन है, ये संत चरण ही है, बस इनके चरणों से लिपटे रहे सदा, इनको अपना सर्वस्व मान करके। बस एक दरबार, दो दरबार हमारे ऐसे हैं, कहने को दो एक हैं, एक गुरुदेव का और एक श्री बिहारी जी महाराज का। यहाँ छल और कपट नहीं चलता है, यहाँ निष्कामता होती है, सीधा सरल जितना होगा उतना ही अनुग्रह उसके ऊपर हो जाएगा। छल कपट संसार में तो छल चल सकता है, लेकिन भगवतीय चरणों में, श्री ठाकुर जी के चरण कमलों में छल कपट पूर्ण पूर्वक हमको जाना नहीं चाहिए। और जो जाते हैं तो उनको कुछ फल नहीं मिलता है, बस खाली उनका जाना और आना हो गया। ले जो छल कपट रहित तो होकर के जाते हैं, भगवान अपने मुख से यही बात सिद्ध करते हैं। निर्मल जनमन सोमोई पावा और मोह कपट छल छिद्र न पावा। ये कौन की वाणी है, भगवान की परावा। निर्मल है, जो निर्मल प्राणी होते हैं भगवान को अतिशय प्रिय होते हैं, ठाकुर जी उनके अधीन होते हैं। भगवान श्री ठाकुर जी तो कहते हैं कि हम एक चुल्लू जल में रीझ जाते हैं, लेकिन वो हृदय से दिया हुआ हो, एक तुलसी का पत्ता कोई हृदय से मेरे चरणों में अर्पित कर दे तो हम उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। हमें यह आवश्यकता नहीं है कि कोई सुगंधी फूल ला करके बैठ करे, तब एक तुलसी मात्र पत्र से ही श्री हरि प्रसन्न होते हैं, लेकिन वह हृदय सा हृदय के हृदय का संबंध भीतर से दिया हुआ। मैं रीझूं एक चुल्लू जल में, बिन मोल बिकूं तुलसी दल में, मेरे ही में रही समाए, भक्तों की भाव भरी भक्ति। भगवान को भक्ति प्रिय है, भक्ति प्रिय माधवा, और जिनके हृदय में श्री भक्ति महारानी विराजमान है उनके हृदय में श्री युगल चरण कमल भी विराजमान है, श्री ठाकुर जी के चरण भी विराजमान है। भक्ति और भगवान ये दोनों ही है, भक्ति समानी भाव में भक्तन में भगवान, श्री बिहारी दास सांची कहे श्री भागवत प्रमाण। ये भक्ति महारानी जिनके हृदय में विराजमान है ये भावमयी, भाव जहाँ विराजमान है, भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको पुकारे तो भव से बेड़ा
विभाव का संबंध है। बस वह भाव हम सबके भीतर विराजमान हो तो हमारा कल्याण का मार्ग सहज खुल जाएगा। हम सदा सर्वदा उन चरणों में बैठे रहें, लगे रहें, तब हमारी बात भी बन जाएगी। अधिक समय न लेके अपनी वाणी को हरि गुरु चरणों में अर्पित करते हुए वाणी विराम। जय जय श्री श्री हरिदास। सब लोगों ने पा लिया, प्रसाद पा लिया, सब लोगों ने पा लिया, कोई रह तो नहीं गया।